हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज। तो इसके अंदर हम बात करेंगे द स्टोरी ऑफ बुद्धा। इसे पिछले वीडियो के अंदर हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी और हमने थोड़ी सी स्टोरी देखी थी किसकी, बुद्धा की। तो सिद्धार्थ आल्सो नोन एज गौतम, कि जो सिद्धार्थ है उनको क्या बोलते हैं, उनको गौतम बोलते हैं, फाउंडेड बुद्धिस्म। और कि जो सिद्धार्थ है और जो गौतम नाम दिया गया है इनको, तो इन्होंने क्या फाउंड किया था, इन्होंने बुद्धिज्म को फाउंड किया था। बिलोंग्ड टू स्मॉल गनम नॉन एज शाक्य जनम, ही वॉज क्षत्रिय। कि जो ये क्या थे, ये एक स्मॉल जना के कम्युनिटीज के अंदर ये रहते थे और इन्होंने अपना एक जना बनाया था। कौन सा जना, शाक्य जना। तो इन्होंने एक अपना जना बनाया था जिसका नेम है शाक्य जना। ही वाज क्षत्रिय, और ये क्या थे, ये एक क्षत्रिय थे। हाउ ही बिकम ए सेंट, और ये फिर ये कैसे सेंट बन गए, तो वो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो सेंट कैसे बन गए। तो ये इनका एक जना था शाक्य जना और ये एक क्षत्रिय थे। तो ये क्षत्रिय से इनके जो पिताजी थे ये क्या बने थे, ये एक राजा थे। फिर राजा के ये पुत्र हो गए सिद्धार्थ, और इनको गौतम भी बोला जाता है। When he was young man, he left the comfort of his home इन सर्च ऑफ नॉलेज। कि ये जो गौतम बुद्ध थे, गौतम और इनका नेम है सिद्धार्थ, कि जो ये सिद्धार्थ थे, इन्होंने क्या कि जो ये वो सोचते थे कि कोई जिंदा व्यक्ति होता है और वो बूढ़ा कैसे हो जाता है। तो इनके पिताजी जो थे उनको इन बारे के बारे में पता नहीं चलना चाहते थे कि इनको इस जो मेरा बेटा है सिद्धार्थ, ये एक ही तो बेटा है, इसको कोई गंदी चीज़ें हम नहीं सिखाएंगे और ये इसको हम पूरा सुख ही सुख देंगे, इसको बिल्कुल भी दुख नहीं देंगे। तो ऐसी बात कैसे पता चली कि इनके ये मान लो ये इनके पिताजी हैं, ये इनके पिताजी हो गए और ये एक इनके पास क्या है, एक क्षत्रिय है। कि जो प्रिस्ट थे, जो प्रिस्ट इनके पास आए और इन्होंने ये बूढ़े थे, तो इन्होंने इसको बोला कि जो ये प्रिस्ट है, इन्होंने राजा को बोला कि जो आपका बेटा है ये क्या है, ये या तो क्या बनेगा, ये राजा बनेगा तो इसकी बहुत बड़ी किंगडम्स होगी, इसका हजारों सालों तक इसका नाम रहेगा, इसका हजारों सालों तक राम रहेगा, और ये चाहे से राजा बन जाओ, चाहे ये क्या बन जाओ, ये शाक्य ये जना बन जाओ, ये मांगने वाला भिखारी बन जाओ, ये सन्यास ले ले, तो इसका भी हजारों सालों तक नाम रहेगा। तो दोनों तरीके से इसका हजारों सालों तक नाम रहेगा। फिर राजा को सुख भी हुआ और दुख भी हुआ। सुख कैसे हुआ कि ये बेचारा किंगडम, इसकी बड़ी सारी किंगडम होगी तो इसके मजे बल्ले बल्ले होगी। लेकिन फिर इसने ये दूसरी बात सुनी कि ये सन्यास ले लेगा, फिर ये घर बार सब कुछ छोड़ देगा, तो इनको थोड़ा सा दुख हुआ। तो फिर उन्होंने क्या किया कि ये जो राजा थे, इन्होंने अपने जो सैनिक थे उनको बोल दिया कि जो आसपास का जो अपना एरिया, उसको पूरे को साफ कर दो, इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कोई भी दुखारी जो लोग हैं वो यहाँ पे नहीं होने चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर जो सिद्धार्थ है इनका एक बार मन किया कि ये चैरियट पे जाएंगे और अपनी पूरी किंगडम के चक्कर लगा के जाएंगे कि क्या काम हो रहा है। तो ये फिर जा रहे थे रास्ते से, ये जा रहे थे तो इनके साथ एक रथी भी था, तो वो रथी इनके साथ चला गया। तो फिर उसने उनको पहले क्या मिला, उनको एक आदमी मिला, वो बूढ़ा था। तो फिर इन्होंने बोला कि जो सिद्धार्थ है, तो उसने अपने रथी से पूछा कि क्या एक दिन मैं भी इसके जैसा बूढ़ा बन जाऊंगा, इस आदमी के जैसे। तो उसने और बोला तुम भी बूढ़ा बन जाओगे, तो उसने बोला हाँ, रथी ने बोला हाँ मैं भी बूढ़ा बनूंगा और आप भी कभी ना कभी बूढ़े होगे। तो इसको थोड़ा सा दुख हुआ कि कोई आदमी जीता है फिर वो बूढ़ा कैसे हो जाता है, तो ये क्या कारण है। फिर ये थोड़ा आगे चलते हैं तो इनको क्या मिलता है, एक चीज़ मिलती है जिसके ऊपर एक आदमी लेटा हुआ होता है और वो उसकी डेथ हुई भी होती है। तो फिर बोलते हैं ये आदमी पड़ा क्यों है, तो फिर इसका जो रथी होता है ये बोलता है कि इसकी डेथ हो गई है, तो वो बोलता है ये मर गया है, तो ऐसे बोलता है। तो फिर जो रथी है, तो जो सिद्धार्थ है वो रथी से बोलता है कि मैं भी एक दिन इसके जैसे मरूंगा, और वो रथी भी बोलता है हाँ आप भी मरोगे इसके जैसे एक दिन। फिर वो थोड़ा और आगे चलते हैं तो उनको एक
मांगने वाला मिलता है, जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, तो उससे एक दिन अपन भी ऐसे बन सकते हैं क्या, बन सकते हैं क्या? तो फिर रति बोलता है हाँ आप भी बन सकते हो। तो इतनी चीजें देके वो अपने किंगडम में वापिस जाता है और अगले दिन वो क्या करते हैं, अपना सामान पैक करके वहाँ से चल देता है, वहाँ की जो चीजें अपना घर बार छोड़ के वहाँ से निकल जाता है। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया था स्टोरी और बुद्धा के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अटेंड एग्नाइमेंट अंडर ए पीपल ट्री एट बोधगया इन बिहार के जो सिद्धार्थ थे, वो उन्होंने शिक्षा कहाँ पे दी थी, पीपल ट्री के नीचे, और पीपल ट्री कहाँ पे था, बोधगया इन बिहार, बिहार के अंदर एक पीपल ट्री था, तो वहाँ पे उन्होंने अपने जो फॉलोअर्स थे उनको शिक्षा दी थी, उनको टीच किया था। बुद्धा और द वाइज वन कि उनका जो नेम फिर क्या बन गया, सिद्धार्थ से उनको बुद्धा बोलने लगे, तो बुद्धा और द वाइज वन, ही गेव हिज फर्स्ट सेनोमिनन एट सारनाथ नियर वाराणसी। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट सेनोमिनन एट सारनाथ, तो उन्होंने, हमने पहले भी देखा था कि जो वो लड़की थी उन्होंने, उसने क्या बोला था कि आप स्कूल में तो ले जा रहे हो लेकिन इनको सारनाथ जरूर ले जाना, तो वो पिकनिक में जा रहे थे तो उन्होंने उसको सारनाथ ले गए, और सारनाथ कहाँ पे है, वाराणसी के पास में सारनाथ है। और जो बुद्धा थे जिसका नाम सिद्धार्थ था, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, लुम्बिनी नेपाल के अंदर। ही स्पेंट द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ट्रेवलिंग ऑन फुट, गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, टीचिंग पीपल टिल पास्ड अवे एट कुशीनगर। कि जो ये सिद्धार्थ थे, इन्होंने क्या किया था, ये ट्रैवल करते थे, को किस से, वो फुट से ट्रैवल करते थे, पहले कोई हेलीकॉप्टर तो होता नहीं था, इसलिए वो क्या करते थे, फुट से ट्रैवल करते थे, वो टीच करते थे, वो घूमते थे एक जगह से दूसरी जगह, और वो टीचिंग करते थे पीपल को, कि वो किसी को, मान लो किसी को कुछ सिखाना है तो वो टीच करते थे। और उनका ये पता चल गया था कि वो लास्ट में सफल हुए थे कि जो आदमी वो जिंदा क्यों रहता है, और लास्ट में वो उसकी डेथ क्यों होती है, तो इन्होंने ऐसा पता लगा लिया था। टिल पास्ट, इनकी डेथ कब हो गई थी, कुशीनगर के अंदर इनकी डेथ हो गई थी, तो कुशीनगर में डेथ, और इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल के अंदर। तो हमने थोड़ा बहुत और जान लिया था स्टोरी ऑफ बुद्धा के बारे में, अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे द बुद्धा टॉट That life is full of suffering and unhappiness. कि जो बुद्धा थे, जो सिद्धार्थ थे, उन्होंने बोला कि जो अपनी लाइफ है ये क्या है, ये गुजरती जा रही है किससे, ये अनहैप्पीनेस से, अपन कभी भी खुश नहीं रहते, अपने पास कोई चीज़ नहीं होती तो आप बोलते हो हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो ऐसे बोलते हो, क्योंकि जो चीज़ आपके पास नहीं होती वो आपको चाहिए होती है, फिर वो चीज़ आपके पास आने के बाद में फिर आप उसको तो देखते नहीं हो, और दूसरी जो चीज़ है उसको लेते हो कि इसके पास ये है तो मैं ये लूँगा, फिर ये लाने के बाद में इसका यूज़ में नहीं लेते, दूसरी ला के फिर उसको वापस देती हूँ, तो ऐसे हमारी जो लाइफ है ये अनहैप्पीनेस और सफरिंग से गुजरती है। बिकॉज ऑफ केयरविंग एंड डिज़ायर्स, ये किस कारण, केयरविंग और डिज़ायर्स के कारण, कि हमारे जो मन है ये कभी किस में बदल जाता है, ये कभी किस में, तो केयरविंग और डिज़ायर्स के कारण, विच ऑफन कैनॉट बी फुलफिल, और इसीलिए जो हमारी जिंदगी ये फुलफिल नहीं हो पाती, क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर कैरविंग है, जो हम सोचते हैं वो हमें चाहिए होता है, चाहे से कुछ ही कर लो, आप बोलते हो कि मेरे को ट्रक चाहिए तो आप ट्रक ला के दो, चाहे से कुछ ही करना चाहिए तो ऐसे बोलते हो। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और थेंडा थेना, कि जो बुद्धा थे उन्होंने बोला कि ये हमारे थर्स्ट और थेना के कारण होता है। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग, और ये जो कारण है ये सभी जो लोग हैं उनके अंदर होता है कि हमारा मन हमेशा बदलता रहता, तो ये बुद्धा ने बोला कि हमारे मन को कंट्रोल रखो, और जो गंदी चीज़ें हैं कि जो हमें चीज़ सही होती है, पहले हमें जो चीज़ मिली हुई है उसका ध्यान रखो, और आगे की चीज़ें जो हैं वो हमें, हम बोले तो हमको बिना मिले मिल जाए तो उसे
इसीलिए उन्होंने बोला कि हमारी जो जिंदगी है वो अनहैप्पी ना और सफरिंग से गुजरती जा रही है। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया द स्टोरी ऑफ द बुद्धा के बारे में। अब हम आगे बात करेंगे, अब हम बात करेंगे ही आल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड एंड टू रिस्पेक्ट द लीव्स एंड टू रिस्पेक्ट द लीव्स ऑफ अदर इंक्लूडिंग एनिमल्स। कि जो लोग थे उन्होंने बोला कि एनिमल्स है तो एनिमल्स की कई लोग क्या करते हैं उसको बलि चढ़ा देते हैं। तो गौतम बुद्ध है उन्होंने बोला कि बेचारे बेगुनाह जानवरों की बलि क्यों चढ़ा रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हमें एनिमल्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको उनका सेक्रीफाइस उनको मारना नहीं चाहिए, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ही बिलीव्ड दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन। तो उन्होंने इसके ऊपर एक एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया कि हमें एक ऐसा रूल फॉलो करना है जिसमें क्या करेंगे कोई भी जो आदमी है वो बलि नहीं चढ़ाएगा, वो एनिमल्स को भी रिस्पेक्ट देगा। तो ये उनका एक कर्म था। दिस टीचिंग ऑफ बुद्धा वे टॉट द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो उन्होंने एक चीज लिखी थी जिसका नाम था कर्म। कर्म तो कर्म में उन्होंने क्या लिखा था, उन्होंने एक लैंग्वेज लिखी थी जो पीपल्स वहाँ के बोलते थे। तो उन्होंने संस्कृत नहीं लिखी। कि संस्कृत कौन लिखे हैं, संस्कृत वो लोग लिखते हैं जो प्रीस्ट होते हैं, जो ब्राह्मण्स होते हैं, तो वो लिखते हैं संस्कृत। लेकिन इन्होंने कौन सी लिखी थी, इन्होंने प्राकृत लैंग्वेज लिखी थी। कौन सी, प्राकृत लैंग्वेज में इन्होंने कर्मकांड को लिखा था। अब हम एक स्टोरी की बात करते हैं। किसकी स्टोरी, किसा गौतमी की। तो किसा गौतमी की क्या होती है, क्या स्टोरी है कि एक एक लड़की थी जिसका नाम था किसा गौतमी, एक एक और उसके एक बच्चा था। तो उसका बच्चा हो गया, उसका उसके बच्चे की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। उसकी डेथ होने पर क्या हुआ, तो वो रो रही थी। तो उसके पास जो गौतम बुद्ध है उसका एक आदमी आता है और वो बोलता है आप गौतम बुद्ध के पास जाओ, वो आपको कोई इसका समाधान देंगे। तो वो फिर गौतम बुद्ध के पास चलती है। तो फिर गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मैं इसको तो ठीक कर दूंगा, इसके लिए आप मुझे मस्टर्ड के कोई बीज ला के दो। तो मस्टर्ड मानी सरसों, सरसों के मुझे कुछ एक मुट्ठी सरसों के बीज ला के दो, एक मुट्ठी। तो फिर वो और फिर वो तो खुश हो गई कि एक मुट्ठी तो है वो मैं ला दूंगी। लेकिन फिर उन्होंने एक शर्त लिखी। क्या क्या बोला उन्होंने, उन्होंने बोला कि जो मुट्ठी है एक मस्टर्ड ऑयल की वो कहाँ से लाओगे, वो ऐसे घर से लाओगे जहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई, जिस यहाँ पे किसी की डेथ नहीं हुई और वहाँ पे वो उस घर में राई हो मतलब सरसों हो। तो ऐसे उन्होंने बोला। तो फिर वो पूरे अपने मोहल्ले में घूम के आ गई। तो उसको खा पे भी एक मुट्ठी राई तो मिल गई, सबके घर में थी राई, लेकिन जो सरसों है वो तो सबके घर में थी। लेकिन क्या हुआ, लेकिन उसको सभी के घर में कोई ना कोई किसी का किसी की डेथ हुई हुई थी। तो फिर वो वापस उनके पास आ गई और फिर उसको ये पता चल गया कि हर परिवार में किसी की ना किसी तो डेथ हुई हुई है। तो वो क्या करती है, वो फिर गौतम बुद्ध की बात समझ जाती है और वहाँ से चली जाती है। तो हमारा ये वाला जो टॉपिक था द स्टोरी ऑफ बुद्धा, ये कंप्लीट होता है। बाकी के जो हमारे टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू रखेंगे। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट एनी टाइप ऑफ क्वेरी देन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।